फिर एक्शन में नजर आए सीएम शिवराज। आगर जिले की बैठक में सीएम के सख्त तेवर, कहा पीएम आवास के काम की रफ्तार धीमी, ये चिंताजनक। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर सियासत जारी, राज्यपाल ने सरकार से मांगे 10 सवालों के जवाब। राज्यपाल ने कहा जवाब मिलने पर किया जाएगा विचार। सागर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, पूर्व विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया बीजेपी में शामिल, सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता। राम सेतु पर केंद्र के बयान पर बिफरे सीएम बघेल, कहा बीजेपी ने किया गुमराह, देशवासियों से मांगनी चाहिए माफी, चाल चरित्र पर भी उठाए सवाल। नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश की अलग अलग शख्सियतों के साथ में। इस बार हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल साहब। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वो अजीम शख्स हैं जिसको हर कोई पसंद करता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आपको पसंद किया गया, जब भाजपा की सरकार आई तब भी आपको पसंद किया गया। वजह क्या है, आपने आखिर कौन सा जादू की छड़ी घुमाई है कि आप हर शख्स के आंखों के तारे बने हुए हैं? इसका मुख्य कारण जो श्रेय देता हूँ, मेरा क्षेत्र है वारासोनी खलन जी, तो वहाँ के क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी शख्सियत बनाया कि उन्होंने पिछले 2018 के चुनाव में जहाँ कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी सभी पार्टियाँ लड़ रही थी, उस इतने अंतर द्वंद्व में भी, हल्ले गुल्ले में भी उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, मेरा निशान था ट्रैक्टर जी, उस ट्रैक्टर निशान को उन्होंने चुनाव जिताया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात थी और जिले और पूरे प्रदेश में इससे मेरी योग्यता को समर्थन मिला कहें या मेरी ताकत बढ़ी ये कह सकते हैं आप। तो जब सरकार बनाने की बात आई तो सभी पार्टियों ने मुझे संपर्क किया, तो उस समय मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, सरकार बनी और 1.5 साल में सरकार लेकिन दुर्भाग्य से गिर गई। सरकार गिरने के बाद मुझे लगा कि मुझे जवाब देना क्षेत्र की जनता को, मेरा उत्तरदायित्व क्षेत्र की जनता के प्रति, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट भी दिया और वोट भी दिया है जी। मुझे किसी पार्टी ने ना टिकट दिए ना वोट दिए, तब मैंने सोच समझ के अपना निर्णय मतलब ये सोचा मैंने, और सरकार गिरने के बाद फिर मैंने अपने पुनर्विचार किया। नई सरकार जब शिवराज चौहान जी की बनी तो मैंने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि उनका जो जिस देश को लेकर मुझे वोट दिया था उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मुझे जरूरी था कि मैंने नई सरकार को समर्थन दिया। और दोनों ही सरकारों ने आपको मंत्री पद से नवाजा जी। हाँ, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया उन्होंने मुझे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उसमें। और ये बहुत कम होता है कि उससे बड़ी बात ये थी कि मैं अपने समर्थन के बदले शिवराज जी से सहयोग लेना चाहता था क्षेत्र के विकास में जी। हाँ, बाकी बड़ी बात ये थी और उसमें मैं सफल भी रहा। आने वाले समय पर भी मैं चाहता था कि मैं इस लायक रहूं, मैं इस योग्य रहूं, इतना मैं काम करा पाऊं कि उस काम के भरोसे पर दोबारा कभी चुनाव लड़ने की जब बात आए तो मैं दोबारा मैदान में जा सकूं। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने समर्थन दिया और अभी तक तो मैं सफल भी रहा उसमें। तो आपको लगता है कि आपने जो काम किए थे, जो वायदे किए हैं थे लोगों से चुनाव के दौरान में, वो आप कर पाने में सक्षम हो पाए हैं? कुछ काम बाकी रह गए मन में, अभी टीस है चुनाव को? कुछ ऐसे पुलिया ऐसे रह गए हैं, हालांकि फिर भी जितने लोगों की अपेक्षाएं थी, जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मैं कर चुका हूँ अभी भी। और यही कारण है कि आपने देखा कि 4 साल हो गए चुनाव को, 4 साल बाद भी जब नगर पालिका चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, तो आज भी मेरा समर्थन वैसे के वैसे है जी। जहाँ मैं ट्रैक्टर से चुनाव जीता था, मैंने अपने साथियों को बाल्टी छाप से जिताया, तो नगर पालिका में जो सरकार बनी हमारी वो पूरी निर्दलीय बनी है, जो कि मध्य प्रदेश में ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं, शायद देश में रिकॉर्ड नहीं होगा। और उसी प्रकार से जनपद पंचायत चुनाव लड़ा तो वहाँ जनपद अध्यक्ष पूरी प्रत्याशी जीत के आए, वो भी पूरे निर्दलीय रहे। तो इससे लगता है कि 4 साल मैंने जितना काम किया, आज भी मेरा समर्थन जो है लोगों में विश्वास अभी भी बना हुआ है। देखिए, बारा सिवनी में जहाँ तक टीम की बात है, तो मैं जितना जानता हूँ आपको, आपकी टीम तो शुरुआत से रही है, वो NSUI के ज़माने से, फिर यूथ कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस में, आपकी एक पर्याप्त टीम है जो बूथ स्तर पर काम करती है और आप एक लीडर हैं उस इलाके के। लेकिन बतौर कांग्रेस, क्या वो सारे कांग्रेसी आपके साथ में खड़े होने को तैयार हुए या हैं? देखिए, आज तक तो खड़े 4 साल हो गए, आज उसमें 2-4 को छोड़ दिया जाए, कुछ महत्वाकांक्षा होती है कि अब जिस जगह खाली तो हमको सीट मिल जाएगी, हम विधायक बन जाएंगे, हमको टिकट मिल जाएगी, ऐसा सोच के 2 या 3 लोग मेरे से हटे हैं, अन्यथा आज भी 4 साल बाद भी चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। नगर पालिका में मैंने चुनाव लड़ाया तो उन्हीं को लड़ाया मैंने, पूरे जो मेरे साथ खड़े थे उन्हीं को चुनाव लड़ाया पूरे।
और ये हुआ कि कांग्रेस जिसने जिस कांग्रेस पार्टी के मैं 10 साल जिला अध्यक्ष रहा, 3 बार लगातार विधायक रहा, जिसने मुझे टिकट नहीं दी, 6 साल के लिए बाहर कर दी, आज उस कांग्रेस पार्टी के पूरे 15 वार्ड में जमानत जब्त हो गई। सोच लो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में कहीं उनके ना सरपंच चुनाव जीत गया ना कहीं कुछ चुनाव गया। वो तो इसलिए क्योंकि वहाँ बारासिमनी में कांग्रेस का मतलब ही मेरा संगठन था, मेरा संगठन तैयार प्रदीप जायसवाल, कांग्रेस मतलब प्रदीप जायसवाल हुआ जिले का अध्यक्ष, मैं 10 साल जिले का अध्यक्ष रहा। आपका अपना एक वहाँ पर नेटवर्क मेरा बना हुआ, नेटवर्क एक बना हुआ था, दूसरा कोई लीडर आपकी तरह वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, जो थे वो इतने बुजुर्ग थे कि खड़े नहीं कर पाए। बरकरार है, मुझे संतुष्टि इस बात की सारी चीज़ बरकरार मेरे साथ आई। लेकिन एक निर्दलीय होने का एक फायदा भी मिलता है ना कि आप किसी पार्टी के नहीं हैं और आपने वो धर्म बखूबी निभाया भी है, तो क्या कुछ भाजपाई भी आपके करीब आए हैं? मेरा मैं समझता हूँ कि भाजपा की भी जो अगर हम सेकंड लाइन बोले कार्यकर्ताओं की या थर्ड लाइन में बोले या बीजेपी के जो मतदाता भी होंगे उन्होंने भी मुझे वोट दिया नगर पालिका चुनाव में, पंचायत चुनाव में, ये समझ लो आप, तब तो मैं चुनाव जीता इतना मैं। अच्छा, आज के दौर में प्रदीप जी आप निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं, एक निर्दलीय होने का धर्म आप पूरी तरीके से निभा भी रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए जितना काम हो सकता कर रहे हैं और कहीं भी नहीं है और हर जगह है, ऐसा आपने अपना व्यवहार बना कर रखा हुआ है। लेकिन आज का वो दौर है जब तीसरी शक्तियां देश में अलग अलग जगहों पर प्रकट होने लगी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के रूप में हो या कोई दूसरे स्थानीय राजनीतिक लोग हों, तो ये क्या ये तरीका है जिस तरह से निर्दलीय आप रहे हैं या दूसरे निर्दलीय रहे और होर होकर आ रहे हैं, निर्दलीयों का एक आप अपने अलग गुट बनाकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, तो आपको क्या संभावना लगती है कि जो तीसरी पार्टियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं उनकी निगाह आप पर भी हो? तीसरी पार्टी कहें, चौथी पार्टी कहें या पहली पार्टी बीजेपी भी कहें, कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टियाँ मेरे संपर्क में, कांग्रेस को छोड़ के सभी लोग चाहते हैं मतलब कि हमारी पार्टी से टिकट लड़े करके। तीसरी चौथी शक्तियाँ तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा उसमें तीसरी चौथी बीएसपी और आप पार्टी निश्चित रूप से भाग लेगी उसमें जी, तो आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के या मेरे क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षा है, जैसे पिछले बार मैंने निर्णय किया था, कुछ ना कुछ निर्णय समय आने पर निश्चित रूप से करूँगा। अच्छा, आपके रिश्ते कहाँ ख़राब हुए? कमलनाथ जी के तो आप ब्लू आइज बॉय कहे जाते थे जी, जी, आपके बगैर तो बालाघाट में राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सीनियरिटी शायद चौथी या पांचवी बार का विधायक बनता मैं जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सीनियरिटी को काटने का ऐसा लगता है मुझे हाँ। और ऊपर की राजनीति बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोई कारण नहीं, मैं 3 बार लगातार विधायक रहा हूँ, 10 साल जिला कांग्रेस कमेटी चलाया, कोई कारण नहीं था कि मेरे को चुनाव टिकट काट के संजय मसानी जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है गोंदिया, एक ही योग्यता थी कि वो हमारे मुख्यमंत्री के साले हैं, उस आधार पर मुझे हटा के टिकट दे दी गई, तो ये एक बहुत बड़ा झटका था ये, और मेरे राजनीतिक जो उसको ख़त्म करने का प्रयास हुआ ये जी, लेकिन वो तो भला हो कि मेरी क्षेत्रीय जनता थी, उन्होंने मुझे टिकट भी दिया और वोट भी देके चुनाव जिता दिया। ये इसको आपका पुनर्जन्म कहेंगे या नया जन्म? ये नया जन्म कह रहे थे। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल तो नहीं करूँगा कि आप फ्यूचर में भाजपा की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सवाल जरूर करूंगा कि आप क्या चुनावी राजनीति में बतौर प्रदीप जायसवाल जाने वाले हैं? बतौर प्रदीप जायसवाल हाँ, जा सकते हैं, संभावना इसकी भी। अच्छा, हमारी तैयारी हर तरह से, डोरे तो सभी डालने की तैयारी में है ना आप पर, लेकिन ऐसा नहीं है अगर जनता बोलेगी, जैसा मैंने पिछले बार निर्णय किया था, मेरे पास अपने आप लोग चले, अपने आप पूरे गाँव के 10-10 हज़ार की भीड़ उनके साथ बैठ के फिर निर्णय लेना पड़ा मुझे, लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ, लड़ना तो किस पार्टी से लड़ना है, तो मेरे क्षेत्र के जो मेरे साथ लोगों की पकड़ है या जो रिश्ता है वो राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है जी। अगर वो दोबारा अगर ऐसा मौका आया तो मैं दोबारा भी निर्दलीय ही लड़ूंगा, फिर ये भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन सारे विकल्प खुले, अभी तो टाइम है चुनाव को, चुनाव को अभी तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने सरकार के सहयोग लेके जो जनता की अपेक्षा है और मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं जो कर पाऊँगा शायद बाद में कोई ना कर पाए, और मैंने किया हूँ अभी तक काम वाराणसी क्षेत्र में, हर तरह काम जो चाहिए भोपाल दिल्ली में होना चाहिए मैं वाराणसी में करता हूँ, मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को लाता हूँ, बड़े बड़े कलाकारों को लाता हूँ मैं, और पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका चुनाव तक सारे तरफ, चाहे सड़कों की बात करें, बड़े बड़े पुलों की बात करें, मेरा सपना था ये, और मुझे संतुष्टि है कि अभी वर्तमान जो सर शिवराज चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके माध्यम से मैंने बहुत काम करा है इसमें, तो अभी तो मेरा उद्देश्य ये है कि जब निर्णय जब भी हो तब तक हम सरकार के सहयोग से ज़्यादा काम हम पब्लिक का करा लें, जनता का, जनता की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर लें,
और मेरा खुद के जो कर्तव्य है जनता के प्रति वो पूरी तरह से हो जाए, अंतिम निर्णय फिर जैसा भी होगा करेंगे। अच्छा, एक निर्दलीय विधायक होना अभी तक ये माना जाता था कि बहुत कमज़ोर शख्स, बहुत कमज़ोर विधायक, जिसकी पता नहीं कोई सुने ना सुने, क्षेत्र में काम हो पावे ना हो। और आप, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कि आप अलग पावर सेंटर बने हुए हैं, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की सरकार हो, आप एक अलग पावर सेंटर है। कांग्रेस की सरकार में मैंने ये भी देखा आपने बहुत बड़े फैसले लिए, रेवेन्यू जनरेटेड आपने डिपार्टमेंट बना दिया इसको, आपने इस निगम के जरिए जहाँ 250 करोड़ की आमदनी होती थी आपने 2500 करोड़ तक उसे पहुँचा दी। तो ये कड़े फैसले लेना ये मुमकिन हो पाता है कहीं ऊपर से? देखिए, निर्दलीय विधायक होना है बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बस मैं समझता हूँ एक TI भी फोन नहीं उठाता निर्दलीय विधायक का, ये स्थिति है। लेकिन चूंकि मैं एक सीनियर विधायक रहा, पहले संगठन का काम किया, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो ये सब योग्यताएं हैं। और जहाँ जनता ने जिस योग्यता को हैमर लगा दिए तो वो अपने आप पावर खुल जाता है। आज मेरा पावर क्या है, आज शिवराज जी भी सुनते हैं मेरी, सारे पार्टियों के लोग सुनते हैं, जहाँ खड़ा होता हूँ अधिकारी सुनते हैं। समय समय पर मैं कलेक्टर SP को जहाँ उनको मैं व्यवस्थित करने का भी प्रयास करता हूँ, डांट डपट भी कर देता हूँ मैं। तो ये सीनियरिटी जो क्षेत्र की जनता ने मुझे दी है, और एक खिलाड़ी होने का जो मुझे फ़ायदा मिलता है, एक सिविल इंजीनियर होने का जो फ़ायदा मिलता है, ये योग्यता के कारण भी है कि जो लोग मेरी सुनते हैं। कुछ एक लहजा होता है बात करने का, उस लहजे से कभी लोग मान सम्मान करते हैं, चाहे हमारे अधिकारी हों चाहे हमारे राजनेता हो। तो काम करने का, किसी से काम लेने का भी एक कला होती है। शायद मेरे ऊपर वाले ने मुझे कला दिया होगा शायद, कि जनता भी मेरी आवाज़ सुनती है, अधिकारी मेरे सुनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मेरी बात सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का, मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी कुछ रखा हुआ है। और यही कारण है कि जब डिपार्टमेंट संभाला मैंने, तो वो डिपार्टमेंट में 1.5 साल है मैंने, उसका राजस्व को दुगना करने का प्रयास किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉलिसी मैंने बनाई, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। फिर भी वो 1.5 साल में सरकार चली गई। तो 3-3 जिले का प्रभारी मंत्री था, और जहाँ प्रभारी मंत्री होने के नाते भी मैंने बहुत अच्छा लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का काम किया, और सबके अनुरूप मैंने नीतियाँ भी बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो काम अधूरा रह गया, ऊपर वाला का भी मौका देगा तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे उस काम। ये खनिज आपको पसंदीदा डिपार्टमेंट है? पसंदीदा तो नहीं, लेकिन चूँकि टेक्निकल भी आगे मैं भी एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मेरा प्रयास था कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट मिले जी, उस हिसाब से मुझे काम करने में अच्छा लगा, मज़ा आया उसमें, अच्छा लगा। अच्छा, एक लेकिन डिपार्टमेंट तो अपनी जगह होता है, आपके जो काम आप सौंपते हैं, जो नोटशीट चलाते हैं, उसका चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसका पालन ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमेशा एक विधायक को या एक बड़े राजनेता को बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं, और जिसके लिए उसका फासला बहुत सारे डिपार्टमेंट से पड़ता है। तो क्या ये भी मुमकिन हो पाया है कि आपको कहीं खाद्य विभाग की ज़रूरत पड़ी हो और वो काम आसानी से होगा? क्योंकि सिस्टम में इतनी पेचीदगियाँ हैं कि आसान नहीं है सब कुछ होना, क्योंकि ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण विकास से बहुत काम होना है, नगरीय प्रशासन विभाग से बहुत काम होना है, सिंचाई विभाग के बहुत सारे काम होते हैं, कृषि विभाग के बहुत सारे काम हैं। तो ये सब मुमकिन हो पाया, इतना आसान है? क्योंकि सिस्टम की पेचीदगियों को मैं समझ, इतना आसान तो नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फिर इतने सारे काम करने वाले लोग होते हैं, सबका अपना अपना विवेक रहता है, सबकी अपनी अपनी काम करने की अलग अलग स्टाइल रहती है। तो इस तरह से कोई काम को करना तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन फिर भी अगर समय मिले तो काम तो किया जा सकता है। कहते हैं मंत्रालय में फाइल आती है वो उलझ कर रह जाती है, लेकिन बहुत कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, तो आप हर फाइल का पीछा करते हैं? आप पीछा भी करना पड़ता है, यानी बाबू तक से बात करना पड़ता है, एक बाबू तक से बात करना पड़ता है, कलेक्टर का कलेक्टर से बात करो, लेकिन एक बाबू से भी कई बार बात करना पड़ता है, तब जाके काम होते हैं। अच्छा, तो ये इसके पीछे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। तो आप कितने प्रतिशत काम होगा जो आपने करवा पाए हैं? आप प्रतिशत में तो मैंने अच्छा ही रहा कुल मिला के। हाँ, मेरे खुद के डिपार्टमेंट में भी गए, या हमने दूसरे जो मंत्री थे उनसे भी जहाँ जहाँ हमने काम लेने का प्रयास किए, 75% 80% हमारा काम हुआ, बढ़िया। और क्या आप ये बताना चाहेंगे कि कहाँ दिक्कत आती है और कहाँ सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है? सिस्टम में ये है कि जो मंत्री को, जो भी हमारा राजनेता होते हैं, एक तो सबसे मिलना ज़रूरी है। हम अगर रिजर्व रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि काम क्या है, काम किस तरह से किया जा सकता है, किन किन लोग से मिलना पड़ेगा। तो एक तो लोगों से जनसंपर्क बहुत ज़रूरी है, क्षेत्र के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, संगठन के लोगों से,
मिलना जुलना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नहीं करते, एक रिजर्व टाइप के बने रहते हैं, तो उससे उनका कोई काम ही नहीं हो पाता उनका, और फिर असफल हो जाते हैं लोग। तो उसको तो बहुत खुल के लोगों से मिलना जुलना चाहिए, जितना ज़्यादा हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, दौरे पर जाएंगे, जितना ज़्यादा दौरा करेंगे उतना ज़्यादा हमारी समझ बनेगी, और जब समझ बनेगी तो ही हमारा कहीं दबाव पड़ेगा, जब हमारे पास खुद को समझ नहीं बनी तो दबाव कहाँ से बनेगा, ये कमजोरी होती है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आपका अक्सर जब जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। आपके आपको तवज्जो भी काफ़ी देते हैं, आपसे स्नेह भी काफ़ी रखते हैं, क्या आपको राजनीतिक टिप्स भी देते हैं मुख्यमंत्री जी? और देते तो नहीं, लेकिन कुछ काम करने की शैली है जी, मिलने जुलने की शैली है, बात करने की जो शैली है, शिवराज जी की बात कर रहा हूँ मैं, उससे सीखने को मिलता है हमको। वो इतने बार वो सांसद रहे, इतने बार वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनके पास इतना टाइम कैसे निकालते हैं वो, और इतने बिजी रहने के बाद वो लोगों से जिस ढंग से मिलते जुलते सबसे, वो सबको एक अपना तो लगता है उनसे मिलने में, तो ये बात बहुत सीखने की रहती है। और भाजपा में आप ये जो होता है बहुत कुछ संगठन तय करता है, बहुत सारी चीज़ें संगठन में तय करती है, आप भाजपा की सरकार में है तो वो जो संगठन का और सरकार का तालमेल, वो अनुशासन मुश्किल नहीं लगा आपको? क्योंकि कांग्रेस तो बड़ी आज़ाद ख्याल पार्टी रही है, लेकिन दोनों में परिणाम देख रहे हो आप, क्या कांग्रेस की स्थिति कैसी है अभी जी, और भाजपा में संगठन, संगठन एक सर्वोपरि होता है उनका, और संगठन होना भी चाहिए कांग्रेस में। मैंने 10 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा मैं, आज मैं उस संगठन के बदौलत ही हूँ आज, कि मुझे टिकट नहीं मिली तो भी बिना टिकट लोगों ने मुझे भोपाल भेज दिया बिना टिकट। तो ये संगठन की ताकत है, अरे संगठन होना चाहिए, संगठन यानी मोबाइल चलता है, सिम के बिना मोबाइल चलता ही नहीं, जब तक सिम नहीं डलेगी तो मोबाइल कैसे चलेगा। ये संगठन भी पार्टी की जान होती है, जिसमें लोग ध्यान नहीं देते, और होता वही है कि जो कांग्रेस का हाल है भी देख रहे आप, और भाजपा का वही हाल है कि कम ज़्यादा भी होता है तो संगठन में इतनी ताकत है कि वो सब कम ज़्यादा को संभाल लेते हैं लोग, इतनी ताकत रहती है, वो चीज़ बाहर नहीं जा पाती। तो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन ही है, जो मैं देखता हूँ। और संगठन में, भाजपा में संगठन में ये रहता है, जो संगठन में है वो संगठन का काम ही करेगा, वो सरकार में बहुत दखल नहीं देता। और कांग्रेस में, कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करने वाला, वो सरकार का हिस्सा बन जाता है। आप तो दोनों जगहों पर रहे, दोनों पार्टियों की सरकारें आपने देखी हैं और इससे पहले भी आपने देखी, लेकिन आप हिस्से रहे हैं सरकार के दोनों में, आपको क्या लगता है कहाँ कम्फर्ट जोन कहाँ पर रहा है आपके लिए? कांग्रेस में जो लोग संगठन में काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन संगठन में काम करने वाले जो पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, संगठन के उन जो सिपाहियों को पूछा नहीं आता कांग्रेस में, ये देखा मैंने। और हल्ला करने वाले, नारेबाजी करने वाले, चापलूसी करने वाले, ये जल्दी आते हैं कांग्रेस सामने, जल्दी आते हैं लोग, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो संगठन चलाता है, संगठन में अच्छे काम करने वाले लोग, इनको कहीं तजुर्बा नहीं मिलती, इनको वो सम्मान नहीं मिलता जो उसके हकदार होते हैं लोग। कांग्रेस में सबसे बड़ी कमजोरी यही है। तो और योग्य व्यक्ति को सही सम्मान नहीं मिलता वहाँ पर। मैं अपने ऊपर उदाहरण बताऊँगा, और बहुत सारे उदाहरण देखा मैंने दिल्ली से लेके भोपाल तक जी, जो योग्यता रखते हैं, जिसको हम घोड़ा बोल सकते हैं, हाँ भाई रेस में चल रहे तो घोड़ा दौड़ाओ, आप घोड़ा रखोगे तो पब्लिक भी उस पर मतलब दाम लगाएगी, आप गधे को खड़ा करो तो गधा तुमको चलता होगा, पब्लिक को थोड़ी चलेगा। आप घोड़ों की इज्जत नहीं है कांग्रेस में, ये दिक्कत है। भाजपा में चुन चुन के नेताओं को बाहर निकाल देता है, अच्छे बोलने वाले को सामने लाते हैं, अच्छी योग्यता। मेरा क्या है, मेरे पे नज़र सिर्फ इसी बात के लिए कि अब जिले में इनका असर है। 10 साल संगठन चला, जिस व्यक्ति ने निर्दलीय चुनाव जीत गया, 4 चुनाव लगातार जीत के आ रहा है, इतनी योग्यता के बाद अगर सम्मान मिल रहा है बीजेपी में, वो मेरे कदर कर रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस में कदर नहीं है, स्थिति है, क्या करोगे। लेकिन कभी कभी मजबूरियाँ भी आ जाती है, हमने वो भी देखा कोरोना के एक दौर में, आप कुर्सी लगा के धरने पर बैठ गए थे कि भाई सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, आपने उसमें हमने ये नहीं देखा सरकार किसकी क्या है जी। हाँ भाई, हम तो कलेक्टर है, SP जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का जब तक आप धूल नहीं जड़ाओगे तब तक वो मजा नहीं आता, घोड़े को भी चाबुक लगाना पड़ता है तब दौड़ता है। तो हमने प्रशासन को चाबुक लगाया उसमें, अब उसका परिणाम देखा आपने, तुरंत कोविड सेंटर खुल गया वायरस ने हमारे, तो कई जगह ये करना पड़ता है तब हम अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था दे सकते हैं, ये सारा काम हम जनता के लिए करते हैं। तो आपको लगता है जनता में भी अब थोड़ा सोच समझ कर वोट डालती है, मध्य प्रदेश की जनता तो ख़ास तौर पर, और जिस तरह के नतीजे अभी दीगर चुनाव में आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश देख लें,
गुजरात देख रहे हैं, एक तरफा जीत भाजपा की हुई है, तो ऐसे में अब आपके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना मुश्किल होगा? नहीं, मैं देखो ये तो अपने क्षेत्र की बात है, तो जी मेरे को बालाघाट में भोपाल में चुनाव नहीं लड़ना, मैं बाहर की चिंता क्यों करूँ, मैं तो अपने क्षेत्र तक सीमित रहता। अभी मैं मेरे को ना जिले की राजनीति से मतलब, ना प्रदेश की, ना राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से मतलब है। मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ अपने क्षेत्र का, मैं अपने उत्तरदायित्व मेरे क्षेत्र के प्रति, अभी तो मेरा पूरा ध्यान अपने क्षेत्र में फोकस है। अभी भोपाल में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, मैं कोई मेरा लेना देना नहीं। और आज भी मेरा दावा है कि आज भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, आज भी, तो मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। अभी बाहर की बात नहीं करता मैं, बाहर तो ये जरूरी है कि जैसी सब जगह परिस्थितियाँ रहती, हिमाचल नगर के हिमाचल प्रदेश की अलग परिस्थिति, राजस्थान की अलग, गुजरात की अलग रहती है। और जनता तो देखिए 21वीं सदी के लोग हैं, सब समझते हैं, तो हर राज्य के लोग अपने अपने राज्य के हिसाब से वोट करते हैं। तो आप मतलब परसवाड़ा, बारा सिवनी जो है वही मेरा गांव, मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश, बस इससे बाहर नहीं जाना है आपको। मेरी जड़ वही है। पर आप मंत्री ना है, मंत्री रहते तो पूरे प्रदेश का होता है, आप एक निगम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, एक पूरे प्रदेश के। मैंने पूरे मंत्री में मंत्री रहते मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया, पूरे प्रदेश का काम किया, डिपार्टमेंट का काम किया, एक मंत्री होने के नाते। लेकिन जब हम वहाँ से हम हटते हैं, हमारी जड़ क्या है, जड़ हमारी मजबूत रहेगी, हम अपने क्षेत्र में मजबूत रहेंगे तो सारी पार्टी हमको पूछेगी। मैं क्षेत्र में कमजोर पड़ जाऊंगा तो भोपाल में मजबूत रहने से मेरा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं अपनी जड़ नहीं छोड़ता, बस कुल मिला के ये ऊपर, तो जितना उड़ना उड़ जाए, जितना उड़ने की क्षमता है उड़ जाएंगे हम, आगे जितना मौका आएगा हो सकता है फिर मंत्री बन जाए, जो बन जाए, तो आसमान खुला उड़ने के लिए। लेकिन जड़ को नहीं छोड़ना है, ये हमारे दिमाग में। जो बात आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी मान के चलो मेरे को टिकट नहीं मिलती है, कोई पार्टी टिकट नहीं देती किसी कारण से, तो मेरे क्षेत्र के लोग तो टिकट देने तैयार है, तो मैं क्षेत्र के लोगों को क्यों छोड़ूंगा भाई, सीधी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही कहते हैं कि अब भोपाल के चक्कर लगाना छोड़ो, जमीन पर जाइए आप। तो आप तो ऑलरेडी जमीन पर हैं, अब कहाँ जाएंगे आप? चुनाव प्रचार शुरू कर दिया पर होने के लिए समय है अभी। मेरे क्षेत्र का जो रिकॉर्ड है, मेरे क्षेत्र में ऐसा लगता है कि 15 दिन बाद विधानसभा चुनाव है। इतना गर्म, जैसे तवा गर्म रहता ना बोलते हैं जी, हमेशा गर्म रहता है। या हमारे ये कई योद्धाओं की बात करूँ तो तलवार जो है म्यान में नहीं रहती किसी की, सबकी तलवार हमेशा म्यान से बाहर ही रहती है हमेशा। मेरे क्षेत्र अलग विक्षेत्र थोड़ा ऐसा लगता है, बस अगले महीने विधानसभा चुनाव है, तो मेरी तैयारी हमेशा पूरे हमेशा चुनाव तैयारी रहती है। अभी एक महीने बाद भी चुनाव हो जाए तो हमारी तैयारी पूरी रहती है, ये स्थिति रहती है। बहुत अलग टाइप का क्षेत्र है और हमारा पार्टी के हिसाब से भी काम नहीं होता, व्यक्ति और काम। हमारा केडी देश में कर रहे हैं, जनता दल कहीं देश में नहीं रहता था लेकिन वो हमेशा चुनाव जीतते थे जी। हाँ, 3-4 बार चुनाव जीत गए वो, उनका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, अभी मैं 5वीं बार मान, चौथी बार पाँच। हाँ, तो मेरा क्षेत्र में व्यक्ति और काम, ये हो सकता है लोग मेरे बड़े मतलब दूरदर्शिता रखते हैं, जागरूकता रखते हैं, हर चीज़ के परेशानी है, ऐसा क्षेत्र मध्य प्रदेश से कहीं नहीं है। आप बिल्कुल सही, आप अपने क्षेत्र के लिए बने, मेरे गांव मेरे देश के लिए, इसलिए मैंने समर्थन दूसरी पार्टी को इसलिए दिया मैंने, क्योंकि मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करना वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रदीप जी। प्रदीप जायसवाल साहब हैं, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मेरे लिए मेरा क्षेत्र, मेरा विधानसभा क्षेत्र, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ही सब कुछ है, इसके अलावा जो जिम्मेदारी मिलती है वो सरकार में बखूबी निभाते हैं और इसीलिए वो कांग्रेस में जितने प्रिय थे उतने ही प्रिय भाजपा की सरकार में भी बने हुए हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मेरे साथ मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। 17 दिसंबर 2018, वो दिन